हेलो दोस्तों, के एन एम क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, मैं कमजोर स्टूडेंटों को ध्यान पूर्वक देखकर सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशंस करूंगा। एक बात आप ध्यान रखें कि मैं सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं इसी वीडियो में सॉल्यूशन करने वाला हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशंस करते जाऊंगा ताकि जो भी कमजोर स्टूडेंट है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 डिग्री का पूरक कौन है, यानी 20 डिग्री का पूरक कौन है। तो आप सबसे पहले समझिए कि पूरक कौन कहते किसको है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कौन कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। और संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया हुआ है, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे ताकि जब भी आप क्वेश्चन आंसर बनाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री का पूरक कोण है। तो आप बनाएंगे, पेन सेलेक्ट हो चुका है, चलिए देखिए ध्यान से। अब लिखेंगे क्या चीज कि माना 20 डिग्री का पूरक कोण एक्स है। 20 डिग्री का पूरक कोण आपका x है, इसीलिए आपका 20 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 माइनस 20 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 70 डिग्री किसमें है, 2 में है, तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सेकेंड नंबर सवाल बोल रहा है आपको कि 40 डिग्री का पूरक कौन है। तो बस इसमें भी उसी तरह से आपको बनाना है। क्या बनाना है कि माना कि 40 डिग्री का पूरक कौन एक्स है, इसीलिए आपका 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर 90, एक्स बराबर 90 माइनस 40, तो एक्स बराबर 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है 54 डिग्री का पूरक कोण। 54 डिग्री का आप क्वेश्चन नंबर 3 को जब बनाएंगे तो मैं पेन अलग कर लेता हूं, क्योंकि इसमें उतने अच्छे से नहीं दिख रही है, तो मैं अलग ले लेता हूं, मैं ब्लैक कलर लेता हूं, देख लेता हूं कैसा दिखता है। माना कि 54 डिग्री का पूरक कोण एक्स है, इसीलिए 54 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। तो एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो एक्स बराबर 26 डिग्री। 26 डिग्री किसमें है, मैं घटाने में गलती कर दिया क्या, यहाँ पर 36 डिग्री हो जाएगी। तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको उसी तरह से है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कोण। तो फिर से आप लिखिए, माना कि
55 डिग्री का पूरक कोण एक्स है, इसीलिए 55 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। तो एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस 55, एक्स बराबर घटा दीजिए तो 5 3 35। आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो उधर दिखता ही नहीं है, यानी यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ओके, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पेज बदल लेता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 का पूरक कौन है। 60 का पूरक कौन आप कैसे निकालेंगे, तो फिर उसी तरह से आपको निकालना है। अब मैं 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। माना कि 60 का पूरक कोण एक्स है, इसीलिए 60 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। तो एक्स बराबर 90 माइनस 60, एक्स बराबर 30। तो 30 जिसमें होगा वही आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 6 में देखिए क्या बोल रहा है। 62 डिग्री का पूरक कोण, ये क्वेश्चन अगला बार शायद पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप लिखें, माना कि 62 डिग्री का पूरक कोण एक्स है, इसीलिए 62 डिग्री प्लस एक्स बराबर 90। तो एक्स बराबर 90 माइनस 62, एक्स बराबर 8 2, 28 डिग्री किसमें है, तो 28 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। बोल रहा है 65 का पूरक कौन होगा, 65 का पूरक कौन होगा। तो लिखिए, माना कि 65 डिग्री का पूरक कौन एक्स है, इसीलिए 65 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री, एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, एक्स बराबर 25 डिग्री। 25 डिग्री किसमें है, तो आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन में, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। अब आपका अगला सवाल आ गया संपूरक का, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये टाइप 2 है, यानी अभी तक आपको पूरक पूछ रहा था, अब से क्या हो सकती है, संपूरक की सवालें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब संपूरक किसे कहते हैं, मैंने पहले भी समझा दिया था कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए, माना 54 डिग्री का संपूरक कोण एक्स है, इसीलिए 54 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 54, एक्स बराबर घटा दीजिए तो 6 2 126 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है, 68 का संपूरक कौन है? तो माना 68 का संपूरक कौन एक्स है, इसीलिए 68 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 मत 68, अब घटा दीजिए इसका तो 2, फिर वहाँ 112 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट सवाल चलेंगे 10, 10 नंबर, ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, 135 का संपूरक कौन, आप इसे भी बनाइए, लिखिए माना कि 135 का संपूरक कौन, संपूरक कौन एक्स है, इसीलिए 135 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 135, तो एक्स बराबर 5, फिर यहाँ पर 7 हो गया तो 45 डिग्री। ओके, तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, सॉरी 11 नंबर, 11 नंबर क्या बोल रहा है, 105 का संपूरक, अब बनाइए क्या हो जाएगा। तो एक्स माना कि 105 का संपूरक कौन, एक्स है, इसीलिए 105 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स बराबर 180 माइनस 105, एक्स बराबर 5, 7, 75 डिग्री। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 11 नंबर, 80 का संपूरक कौन, मैं पेज बदल लेता हूँ, 80 का संपूरक कौन, ओके मैंने पेज बदल ली, मैं आपको बताता हूँ 80 का संपूरक कौन। चलिए देखिए, तो 80 का संपूरक कौन लिखिए यहाँ पर, मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, यहाँ पर आप लिखिए माना कि 80 का संपूरक कौन, 80 का संपूरक कौन एक्स है, इसीलिए 80 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 80, एक्स बराबर 100। किसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या बोल रहा है, 110 का संपूरक कौन, 110 का संपूरक कौन, तो माना कि 110 का संपूरक कौन एक्स है, इसीलिए 110 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 110 प्लस, सॉरी 180 माइनस हो जाएगा, प्लस कर दिए मैंने, माइनस 110, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगी, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसमें है, तो 70 डिग्री 3 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन चलिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 14 नंबर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको देखनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन 14 क्या बोल रही है,
एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है, इसकी माप क्या है? एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है तो इसकी माप क्या है? तो आप लिखिए माना एक्स, माना एक्स वह कोण है, वह कोण है जिसका पूरक कोण भी, जिसका पूरक कोण भी क्या चीज है? एक्स है। इसलिए एक्स प्लस एक्स बराबर 90। चूंकि आप जानते हैं कि पूरक कोण का मान दो कोणों के योग बराबर एक सॉरी 90 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 बाय 2 भाग लगाने में 40, तो x बराबर 45, ये आपका क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा। तो किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं ऊपर करके बना देता हूँ थोड़ा सा बढ़िया से, देखते जाना 15 नंबर क्या बोल रहा है। और एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के समान है, इसकी माप क्या? बस उसी तरह से आपको बना देना है। माना एक्स वह कोण है जिसका संपूरक कोण भी एक्स है। इसीलिए एक्स प्लस एस बराबर 180, 2x बराबर 180, एक्स बराबर 180 बटे 2 बाहर लगाएंगे तो कितना आएगा? 90। तो 90 किसमें है आपका? तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। 16 नंबर थोड़ा ऊपर हो जा रहा है तो मैं नीचे करके लिख देता हूँ, 16 नंबर ठीक है। क्या बोल रहा है? यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है तो वह कोण की माप क्या है? तो आप यहाँ पर लिखिए माना एक्स का पूरक कोण वाई है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में क्या बोला है? बोला एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो अब देखिए इसका पूरक कोण वाई, एक्स का पूरक कोण वाई है, तो एक्स बराबर वाई के आधे से मतलब आधे से 30 अधिक है, ठीक है। तो ये समीकरण आपका क्या बन गया? 1। ओके, अब देखिए आप खुद जानते हैं कि वाई एवं सॉरी एक्स एवं वाई पूरक कोण है, पूरक कोण है, इसीलिए एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो अब एक्स बराबर आप जानते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, वाई बाई टू, फिर यहाँ 30 प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर बटे में आप 1 दे सकते हैं, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस यहाँ पर 60 प्लस 2 वाई बराबर 90 डिग्री। जिनको कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सॉल्यूशंस को जर मतलब आपकी जो भी दिक्कत होंगी उसका मैं सॉल्यूशन कर सकूं। तो आप इस सब को जोड़ दीजिएगा, तो इसका देखिए 2y और एक y कितना हो जाएगा? 3y प्लस 60 बाय 2, 90 बाय 1। आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ कितना हो जाएगा। तो 3y प्लस 60 इज इक्वल टू 180, 3y इज इक्वल टू, अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 120। तो वाई बराबर 120 बटे 3 कितना आ जाएगा?
40। तो आपको समीकरण 1 से, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इधर फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अभी फिर से ऐसे करके लाइनें खींच के मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 से, आप देखें ध्यान से, तो मैंने समीकरण बना दिया उसको 1 से, क्योंकि आपको संख्या पूछ दी थी, तो आपकी संख्या क्या चीज़ है, एक्स बराबर वाई बाई टू प्लस थ्री है ना, तो बस इसी में बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वाई बराबर कितना आया, 40/2 + 30, भागा दीजिएगा तो 20। एक्स बराबर 20 + 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों हो जाएगा या 50। तो 50 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप ज़्यादा लापरवाही ना करके इसे बढ़िया से ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया। चलो क्या बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन, एक कौन अपने पूरा कौन से 2 गुना है, तो कौन का मान ज्ञात कीजिए। एक कौन अपने पूरा कौन से 2 गुना है, तो आप यहाँ पर बनाइए 17 नंबर, माना एक्स 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 का पूरक कोण, माना एक्स का पूरक कोण वाई है, कोण वाई है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न जिस हिसाब से बोला था उसी हिसाब से प्रश्न अनुसार क्या है, बोल रहा है एक कोण अपने पूरा कोण से 2 गुना है। मान के चलिए यहाँ पर एक कोण एक्स था, तो अब पूरा कोण से 2 गुना, तो पूरा कोण था वाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2y। अब समझ लीजिए यहाँ पर एक्स बराबर आपका 2y आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आप जानते हैं कि एक्स एवं वाई का पूरक कोण बराबर 90। ठीक है, लिख दीजिए है यार यहाँ पर एक्स प्लस वाई, इसलिए मैं लिख देना है। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना है, 2y, या फिर यहाँ पर वाई हो जाएगा तो 90। 3y बराबर 90, वाई बराबर 90/3, भागा लगाएंगे तो 30। वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, यह 30 आ गया। ठीक है, तो आपको वह कौन पूछा था ना, तो यहाँ पर आप समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, तो बहुत अच्छा दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर आप समीकरण 1 लिख दीजिए, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि आपने समीकरण 1 से ही 2y को लेके आया हुआ था। यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 2y, तो x बराबर 2 × 30 60 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो किसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 18 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए मैं पेज ले लेता हूँ अलग सा, मैंने पेज ले लिया फिर से अलग। 18 नंबर, 18 नंबर नीचे करके बनाने पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर फिर दिख जाता है, देखो। चलो अब तो ठीक है, 18 नंबर क्या बोलता है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, संपूरक कोण का 2 गुना है। तो ये आसान, बस उसी तरह से लिखना है, माना एक्स एक्स का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, एक्स का संपूरक कोण वाई है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 2 गुना, तो 2y हो जाएगी। ठीक है, अब आप जा अब आपको क्या करना है, बोला एक्स एवं वाई क्या चीज है, संपूरक कोण है, वाई संपूरक कोण है, कौन है, इसीलिए एक्स प्लस वाई बराबर 180। अब बैठा दीजिए, एक्स बराबर क्या चीज़ है, एक्स बराबर 2y है, तो 2y
प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो 3y इज इक्वल टू 180, वाई बराबर 180 बाय 3 60, आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपको पूछा था उसका सम पूरक, तो अब आपके यहाँ पर बनाना है, अब यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको भी उसी तरह से लिखना है। समीकरण 1 से ही आया था आपका क्या चीज़, 2yx बराबर 2y आया हुआ था, तो बस आप यहाँ पर भी लिख दीजिए लास्ट में, नहीं तो यहाँ पर आप ऐसे खींच दीजिए, लिख दीजिए समीकरण ऐसे करके, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तो आपका x बराबर 2y, और हम लोगों ने माना ही नहीं, तो यहाँ पर ये समझिए कि समीकरण 1 है। ओके, तो x बराबर 2 इंटू 60 व 120 हो जाएगी इसकी आंसर, किसमें है तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन, हम 19 नंबर को ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है। एक कोण के माप, उसके संपूरक कोण के माप का 3 गुना है, तो कोण की माप क्या है, यानी माना कि एक्स एवं सॉरी एक्स का संपूरक कोण, संपूरक कोण वाई है। ओके, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है आपका दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है कि एक कोण की माप, उसके संपूरक कोण की माप का 3 गुना है, देखिए एक्स है तो 3 गुना तो 3y हो जाएगा, ये आपको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए, अब हम लोग एक्स एवं वाई संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, इसीलिए एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 3y, वाई बराबर 180 डिग्री, ए एक्स बराबर 3 कहाँ से है 3y, तो समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए देखिए दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4y बराबर 180, वाई बराबर 180 बटे 4, 4 6 16, 4 5 20, वाई बराबर 45 डिग्री। ओके, तो अब आपको क्या चीज़ पूछा है, इसका संपूरक कोण वो पूछा है ना, तो समीकरण 1 से आप लिख दीजिए, यहाँ समीकरण ये अलग है, यहाँ समीकरण 1 से ऐसे लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, एक्स बराबर 3y है, तो आप बैठा दीजिए, वाई का मान 45 डिग्री है, तो गुना करेंगे तो 3 5 15, 3 6 12, और 1 13, 135 आपको क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, सॉरी 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, अभी बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और आपके वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं बहुत सारे न्यू न्यू लोगों को देख रहा हूँ, जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे मुझे हेल्प कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो और अपलोड कर दूंगा। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ और ख़ास बात है, मेरे जो वीडियो को जो भी जितने भी व्यूवर्स जा रहे हैं, यानी अभी आपका 150 भी नहीं टच किया है, लेकिन उसमें फिर भी उसमें दिखता है कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वही मेरे चैनल पे ज़्यादा विजिट करके देख रहे हैं, और वही सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे उसमें मोटिवेशन मिले और मैं आपको वीडियो ज़रूर अपलोड कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही जल्द जल्द आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।